शहर के संत तुकड़ोजीवाड़ लक्ष्मी उदय कॉलोनी में रहने वाले हर्षल भोयर युवक पर बंदरों ने हमला किया है। तीन बंदरों के झुंड में से एक बंदर ने पैर के मांस का टुकड़ा लेकर भाग गए। बंदर बन रहे जानलेवा वन विभाग अभी भी निद्रावस्था में है। दरअसल में बंदर एक सप्ताह पहले भी ऐसा ही एक किसान पर जानलेवा हमला किया था। शहर में बंदर बने जान के दुश्मन हिंगनघाट के संत तुकड़ोजीवाड़ के लक्ष्मी उदय कॉलोनी में तीन बंदरों के झुंड ने एक 19 वर्षीय युवक हर्षल नामदेवरा भोयर पर जानलेवा हमला कर घायल किया। घटना 20 अक्टूबर की शाम 5 बजे की है। घटना के दिन युवक घर के टेरेस पर टहल रहा था, तब तीन बंदरों का झुंड आया और कुछ समझने के पहले ही बंदर उन पे जानलेवा हमला कर दिया। बंदर ने उसके पैर को काट कर शरीर के मांस का टुकड़ा लेकर बंदर भाग गया। परिवार वाले अस्पताल ले गए, वहां पर घायल युवक को 10 टाके लगे है, अभी उसका उपचार घर पर शुरू है। बंदरों की इंसान पे जानलेवा हमला करने वाली दूसरी घटना है। इसके पहले भी एक किसान पे इसी सप्ताह में बंदर ने जानलेवा हमला किया था, तब तहसील में बंदर के हमले की ये दूसरी घटना। आसपास के जंगली इलाके से बंदरों का शहर में आना आम बात थी, लेकिन अभी बंदर इंसान पे हमला करने लगे है तब चिंता का विषय बन गया है। हिंगनघाट का वन विभाग हमेशा निद्रा अवस्था में रहता है, वन्य प्राणी जीव शहर में आकर इंसानों पे हमला कर रहे है, तब हिंगनघाट का वन विभाग क्या उचित उपाय योजना करता है यह आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, या फिर इसी तरह वन्य प्राणियों से इंसानों पे हमले होते रहेंगे ये देखना होगा। मी संत तुकड़ोजीवाड़ मध्ये राहतो उदयनगर। मी 5:30 च्या सुमारात संध्याकाळी वर गेलो असता तीन बंदर आले, त्याचे त्यामध्ये एक बंदराने माझ्यावर अटॅक केला आणि माझ्या पोटलीचं मांस घेऊन पळाला। मी दवाखान्यामध्ये उपचार करायला गेलो तर मला 8 टाके पडले आणि आता डॉक्टरकडे उपचार चालू आहे। माझ्या मुलाला बंदर चावलं, वरती गेला होता तर सहज, आणि आमची गंभीर परिस्थिती आहे, त्यामुळे आम्हाला काही भरपावती द्यावी अशी माझी अपेक्षा आहे। इन बीच से न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवी एनोरकर की रिपोर्ट।